गुड़गांव जैसे शहरों में चले जाओ या बैंगलोर के कुछ इलाकों में चले जाओ तो वहां पर आम आदमी मकान खरीद भी नहीं सकता है। तो एक ओर तो इतनी दौलत छल छला रही है और दूसरी ओर बच्चों के पास खाना खाने को नहीं है। ये है हमारे भारत की तरक्की। दो तीन चीजें हैं जो चंद हाथों में कभी केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सत्ता, धन, धर्म। नमस्ते सर। सर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पर लिखा था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहाँ पे 125 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 111वां है। तो कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन की समस्या अभी भी भारत में व्यापक है। साथ ही कुछ 67 लाख बच्चे हैं जो ज़ीरो फूड चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कई बार दिन में एक भी बार भोजन नहीं मिलता। इसके साथ और एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी जहाँ पे लिखा था, एक सर्वे किया गया था 10वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं भारत के शहरों में उनका, तो ये जो शहरों के बच्चे हैं इनमें 33% ओबेसिटी पाई जाती है, मोटापे के शिकार हैं। तो एक देश में इतना अंतर कैसे, ये जानना चाहता था आपसे। देखो, हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, चेतना कभी लगाते नहीं है। एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने लाता हूं। ये सवाल आपको पूछना ही इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको हैरत हो रही है। आपको हैरत हो रही है कि एक देश में बच्चे हैं जिनको दिन भर खाने को नहीं मिलता और उसी देश में बच्चे हैं जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इतना ज़्यादा वो खा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। मेरे लिए हैरत की बात ये नहीं है कि ये हो रहा है, मेरे लिए हैरत की बात ये है कि आपको हैरत हो रही है। आपको हैरत हो रही है इससे पता चलता है कि आप समझ ही नहीं रहे कि देश में क्या हो रहा है। जो चीज़ आप नहीं समझते वही चीज़ तो आपको सरप्राइज या शॉक दे देती है ना। तभी तो हमें एक नैरेटिव बता दिया जाता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, हमने उसको मान लिया है, हमने स्वयं कभी सोचना नहीं चाहा। आपके सामने औसत आय का आंकड़ा रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जो औसत इनकम है वो इतनी इतनी बढ़ रही है। औसत तो तब भी बढ़ जाएगा अगर 100 लोगों में से 3 ही लोग हों जिनकी आय बहुत ज्यादा बढ़ रही हो। 100 लोग हों उनमें से 97 की आय ना बढ़ रही हो, 3 की खूब बढ़ रही हो, तो औसत तो तब भी बढ़ जाएगा ना। इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि देश में तरक्की आ रही है, इससे तो बल्कि ये पता चल रहा है कि वो 3 लोग अब देश पर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। क्योंकि पहले उन 3 लोगों की और बाकी 97 की आय में अंतर कम था। जब अंतर कम था तो उन लोगों के पास तुलनात्मक ताकत भी कम थी। अब जो 97 लोग थे उनकी आय तो लगभग उतनी है जितनी पहले होती थी, पर 3 लोगों की आय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये 3 लोग अब क्या करेंगे, ये राज करेंगे। इसका मतलब है कि जो 97 लोग हैं उनकी हालत अब पहले जैसी भी नहीं है, पहले से बदतर हो गई है। तो जो बदतर होती जा रही हालत है उसको हम बेहतर हालत समझने लग जाते हैं। मेरे लिए हैरत की ये बात है। अगर आप आंकड़े देखेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो बॉटम 30% ऑफ पॉपुलेशन है बाय इनकम, उसकी इनकम ग्रोथ भी बॉटम में है और जो टॉप 5% है उसकी ग्रोथ भी टॉप में है। जो इक्वेशन निकल रही है मालूम है क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज प्रोपोर्शनल टू इनकम इटसेल्फ। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज प्रपोर्शनल टू इनकम इटसेल्फ। इसको कैलकुलस की भाषा में आप बोलोगे कि DI बाई DT इज इक्वल टू KI। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या पता चलेगा, पता ये चलेगा कि जो इनकम है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। और जब कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो उसका अर्थ आप जानते हो क्या होता है, जो चीज छोटी है वो कम ग्रो करेगी। 2 का स्क्वायर भी आप ले लोगे तो कितना हो जाएगा, मान लो पहले एक के पास 2 था, एक के पास 10 था,
एक के पास 2 की आय थी, एक के पास 10 की आय थी। 2 का स्क्वायर भी ले लोगे तो कितना हो गया, और 10 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया। पहले दोनों की आय में कितना अंतर था, 8 का। अब कितने का अंतर हो गया, 96 का। ये हो रहा है, जिसकी आय ज्यादा है उसकी आय की वृद्धि दर भी उतनी ही ज्यादा है, और जिसकी आय जितनी कम है उसकी आय की वृद्धि दर उतनी कम है। माने आप गरीब हो तो आपकी इनकम कम तेजी से बढ़ेगी, और जो जितना अमीर है उसकी इनकम उतनी तेजी से बढ़ रही है। और जितनी अमीरियों की इनकम बढ़ती है गरीब उतना ताली पीटते हैं। आज ही हेडलाइन है कि जबरदस्त बुल रन चल रही है स्टॉक मार्केट में। ये जो बुल रन चल रही है स्टॉक मार्केट में, इसमें कभी आम आदमी थोड़ी बहुत पैसा बनाता है। आम आदमी को तो बोलते हैं दीज आर पिग्स, दे आर देयर टू बी स्लॉटर्ड। स्टॉक मार्केट लगभग वो जगह होती है जहां आम आदमी का पैसा निकल करके बड़े निवेशकों के हाथ में जाता रहता है। आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी पैसा लगाता है कि मुझे मुनाफा हो जाएगा, पर वो जानते ही नहीं है पैसा कब लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है और एग्जिट कब करनी है। तो कुल मिलाकर के औसतन आम आदमी स्टॉक मार्केट में या तो पैसा गंवाता है या बहुत साधारण रेट ऑफ रिटर्न पाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा भी बड़ा इन्वेस्टर बनाता है। तो जिसके पास पहले ही पैसा था उसका पैसा बढ़ता जाता है, जिसके पास कुछ नहीं था उसका पैसा घटता जाता है। जैसे एक पुरानी कहानी थी, एक गरीब आदमी सेठ के पास जाता है, सेठ से पूछता है पैसा कैसे बनाना है। सेठ बोलता है पैसे से ही पैसा बनता है, सेठ बोलता है पैसे से ही पैसा बनता है। तो ये गरीब आदमी बोलता है मेरे पास 1 सिक्का है, इससे बनेगा पैसा। सेठ बोलता है बिल्कुल, पैसे से पैसा बिल्कुल बनता है। तो ये गरीब आदमी बोलता है ठीक है, तो फिर मैं इससे पैसा बनाता हूं। तो आगे आता है, वहां पे सेठ की एक थैली रखी होती है, उसमें बहुत सारे सिक्के होते हैं। ये गरीब आदमी बोलता है सेठ ने बोला है पैसे से पैसा बनता है, तो ये अपना सिक्का लेता है, उसमें फेंक देता है और इंतजार करने लगता है कि मैंने पैसा फेंका है तो मेरे पैसे से पैसा बनेगा। कुछ नहीं होता। सेठ से बोलता है क्या हुआ मेरे पैसे का, बोलता है मेरे पैसों से पैसा बन गया। सेठ बोलता है जो नियम तुझे बताया था वो मुझ पर भी तो लागू होता है, पैसे से पैसा बनता है। मेरे पास 100 सिक्के रखे थे, वो 101 हो गए, पैसे से पैसा बन गया। यही हो रहा है अर्थव्यवस्था में, जिसके पास 100 है उसका 101 हो रहा है, जिसके पास 1 है उसका 0 हो रहा है, और जिसका 0 हो रहा है वो खड़ा होकर ताली बजा रहा है, वो कह रहा है भारत तरक्की कर रहा है, कह रहा है वाह देखो औसत आय बढ़ती जा रही है, औसत आय बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं पूछ रहे कि औसत तो बहुत मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक होती है। अभी कल ही तो मैं बोल रहा था, फिर से आपके लिए दोहराई देता हूं, 9 लोगों के पास 1-1 रुपया हो और 1 आदमी के पास 91 रुपया हो तो कुल कितना हो गया, 100। 9 लोगों के पास 1-1 रुपया, 1 आदमी के पास 91 रुपया, कुल कितना हो गया, औसत कितना आ गया, 10। 10 तो किसी के पास भी नहीं है, 10 तो किसी के पास भी नहीं है। 9 है जिनके पास 1-1 रुपया है जो 10 से बहुत कम है, और 1 है जिसके पास 91 है जो 10 से बहुत ज्यादा है। लेकिन हम बोल देंगे साहब 10 की औसत आय है। ये बहुत झूठा आंकड़ा होता है। कुल मिलाकर के तरक्की के नाम पर एक तरह की प्लूटोक्रेसी आ गई है। प्लूटोक्रेसी जानते हो क्या होता है, अमीरों का शासन, अमीरों का शासन। और हम बस इसी बात में खुश हो रहे हैं कि औसत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसमें हम ये नहीं पूछते कि साहब अगर तरक्की होनी है तो जो सबसे गरीब 30% है, मुझको ये बताओ ना कि उनका क्या हो रहा है। जो सबसे गरीब 30% है उनका कुछ नहीं हो रहा। हम इस बात में गौरव अनुभव कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोग अब देश में ऐसे हो गए हैं जिन्हें मुफ्त राशन और मुफ्त खाना देना पड़ता है। हम इस बात पे गौरव अनुभव करते हैं कि भारत जैसा दिलदार देश कोई नहीं है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। हम ये सवाल नहीं पूछते कि ये नौबत क्यों आई कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 80 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस हालत में आ गए हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास अब खाने का पैसा भी नहीं है। हम कहते हैं देखो हम इतने लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं और कितने गौरव की बात है। अगर तरक्की नापनी हो तो तरक्की नापने का तरीका होता है कि जो लोग पिरामिड में बिल्कुल बेस में हैं उनकी तरक्की नापो,
उनकी तरक्की। गांधी जी को लेकर के आप कितना भी विवाद कर लो, जो बातें जिसकी ऊंची हो उससे लेनी चाहिए। वो एक सूत्र दिया करते थे, वो बोलते थे कि अपने किसी काम को लेकर के अगर कभी संशय में हो तो मैं एक नुस्खा दे रहा हूं, सूत्र, इससे जांच लेना कि तुम्हारा काम ठीक है कि नहीं। बोले जो भी सबसे दुर्बल और दरिद्र और गरीब आदमी तुम जानते हो, तुम ये देख लेना कि तुम्हारे काम से सीधे या परोक्षतः, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। बोलते थे कोई तुम्हें निर्णय लेना है और सोच रहे हो लूं कि नहीं लूं, तो ये रही कसौटी, ये देख लो कि तुम जो करने जा रहे हो उससे जो सबसे गरीब आदमी या सबसे बेसहारा या दुर्बल आदमी जिसको तुम जानते हो उसको कोई लाभ होगा या नहीं होगा, बस ये देख लो। तो सरकार भी जो कुछ करे या आज तक जो कुछ करा है उसको नापने की यही कसौटी है कि गरीबों को क्या हुआ, अमीरों को तो जो मिला सो मिला, औसत आंकड़े बढ़े सो बढ़े, जो सबसे बॉटम 30% है उसका क्या हुआ। बॉटम 30% का वो हो रहा है जो आपने सवाल में पूछा। क्या पूछा? कुपोषण। क्या बोल रहे हैं हम उन्हें? पूरे दिन उनके पास खाने को नहीं है। जीरो फूड किड्स, जीरो फूड किड्स। और कुछ हैं कि इनके पास खाने को छोड़ दो बहाने के लिए भी है। गुड़गांव जैसे शहरों में चले जाओ या बेंगलोर के कुछ इलाकों में चले जाओ तो वहां पर आम आदमी मकान खरीद भी नहीं सकता है। आम आदमी के लिए मकान किराए पर भी लेना मुश्किल हो गया है। पांच दस करोड़ कम से कम आपकी जेब में हो तो आप गुड़गांव की तरफ मुंह करिएगा, और कुछ अच्छा खरीदना हो गुड़गांव में तो 20 करोड़ से बात शुरू करिएगा। तो एक ओर तो इतनी दौलत छल छला रही है और दूसरी ओर बच्चों के पास खाना खाने को नहीं है। यह है हमारे भारत की तरक्की। क्यों? क्योंकि आम आदमी जिज्ञासा करना जानता ही नहीं। हमारी पूरी संस्कृति सिर्फ सर झुकाकर मानने पर है। इसी को हम बोलते हैं हमारे संस्कार, जो जितना अदब से मर्यादा से सर झुका के बोले जी सर, यस सर, हां ताऊ जी, हां जी हां जी, वो कहलाता है। कितना मर्यादित बच्चा है, कितना मर्यादित बच्चा है। ताऊ जी भले ही एक नंबर के शोषक हो, बिल्कुल रक्त पिपासु जानवर हो, लेकिन उनसे भी फिर भी क्या बोलना है, हंजी ताऊ जी। बिल्कुल यही आपने लहजा सुना है कि नहीं सुना है? और आप भी बोलो, आप भी ऐसे ही कहलाओगे। देखो संस्कारी बच्चा है, संस्कारी। ताऊ जी कैसे भी हो क्या बोलता है, हंजी ताऊ जी, करते रहो हंजी। इन सब चीजों की काट है वास्तविक धर्म, क्योंकि बार बार बोलता हूं वास्तविक धर्म ज्वाला होता है, विद्रोह होता है, वो पूछता है, वो बंधन काटता है, उसके पास जिज्ञासा होती है, वो यूं ही सर नहीं झुका देता, वो हांजी हांजी नहीं करने लग जाता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है वो सर नहीं झुकाएगा आसानी से। जिसका सर हर जगह हर झूठ के सामने, सब तरह के प्रचार के सामने, अज्ञान के सामने यूं ही झुक जाता, वो आदमी धार्मिक कैसे हो गया? दो तीन चीजें हैं जो चंद हाथों में कभी केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सत्ता, धन, धर्म। जब धर्म एक हाथ में केंद्रित हो जाता है तो पोप जैसी व्यवस्था बन जाती है मध्ययुगीन। उसके खिलाफ यूरोप को विद्रोह करना पड़ा। वो पूरा विद्रोह यही था कि एक आदमी धर्म का ठेकेदार बन के बैठ गया है। दूसरी चीज जो कुछ हाथों में नहीं केंद्रित होनी चाहिए वो है धन। जब धन कुछ हाथों में केंद्रित हो जाता है उसको कुछ बोल लो, फिर मोनोपोली बोल लो, प्लूटोक्रेसी बोल लो, वो अच्छी नहीं होती है। और तीसरी चीज है सत्ता, वो भी कुछ हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं ताकि सत्ता विकेंद्रित रहे। भारत का संविधान कई तरीकों से
सत्ता को डिसेंट्रलाइज करने के तरीके अपने अंदर रखता है। एक तो यही है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, कि कुछ ताकत केंद्र के पास रहेगी, कुछ ताकत राज्यों के पास रहेगी, और दूसरी बात अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, ताकत उसके पास रहेगी, कुछ लेजिस्लेचर की ताकत है, मीडिया है, उसके पास फ्रीडम रहेगी, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी सीमाएं हैं, उसका वो उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हर चीज डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, चाहे वो धन हो, और यही बात पूरी दुनिया पर लागू होती है, इसीलिए तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं ना, कि किसी एक देश के पास ही सारी ताकत है, ये पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं होता। आपकी ताकत आपकी जिज्ञासा है, आपकी ताकत आपकी चेतना है, आप अपनी उस ताकत को सरेंडर कर दोगे तो फिर पोल्स बनते हैं ताकतों के, धर्म की, धन की, सत्ता की, ताकत के पोल्स बन जाते हैं, और वो पोल्स किसी के लिए अच्छे नहीं होते, उससे अशुभ ही अशुभ होता है। बात मान लो, समझना तो वैसे भी नहीं है, मान लो, मानने का ही अभ्यास है पूरा हमारा। झूठा सब संसार है, तू ना अपना मीर, झूठा सब संसार है, अपना मीर, राम नाम को जान ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत, झूठा सब संसार है, अपना मीर, झूठा सब संसार है, को ना अपना मीर, राम नाम को जान ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत, साधु यह संसार है, जैसा से मल फूल, साधु यह संसार है, जैसा से मल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल, जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ कर नाम रसायन लाग रे साधो, नाम रसायन लाग। मेरा नाम डॉक्टर एस के गुप्ता है, पूरा नाम शिव कुमार गुप्ता, ये हमारी पत्नी वीना गुप्ता हैं।
आचार्य जी से जो पहली बार सुना उनको वीडियो पर, वीडियो आई रिकमेंडेशन में, अक्टूबर 2022 की बात, अगस्त 2022 की बात है, तो उसके बाद से ये घटना जरूर सुनाना चाहूँगा कि जैसे मैंने सुना तो मुझे लगा कि बस यही है जिनकी तलाश थी इतने साल से। मैं 99 से जुड़ा हुआ था इस चीज़ में, कि जब प्रैक्टिस शुरू करने के बाद में सब कुछ हो गया था, लग रहा था कि, लेकिन फिर कुछ बेचैनी थी कि उससे पहले जितने गुरुओं को सुना था, बहुत गुरुओं को सुना, कहीं भी रुका नहीं, कहीं 6 महीने चला, साल चला, 2 महीने चला, तो एकदम से रुकावट आती थी कि नहीं ये अल्टीमेटली अल्टीमेट बात नहीं कर रहे हैं, ये बात बन नहीं रही है। गीता पहले पढ़ने की कोशिश की थी, हमें कभी समझ नहीं आई। यहाँ जब आचार्य से गीता सत्र में जुड़े, जब आके देखा तो फिर पता लगा कि सही मायने में गीता क्या है। जब मैंने वीडियो सुनी थी तो सुन के एकदम से लगा था कि हाँ यही चाहिए था, मुझे इसी की तलाश थी, तो मेरी भी तृप्ति यहीं पे आगे पूरी हुई। पर आचार्य जी ने कितनी मेहनत की होगी वो सब मुझे शुरू से ही दिखाई देने लग गई थी एकदम। आज हम काम करना चाहते हैं, आज सिर्फ इसलिए काम बढ़ाना चाहता हूँ कि जो भी है आज से मैं जितना भी मन करूंगा, जो भी करूंगा, सारा संस्था को मैं कैसे रखूंगा, मैं है ना, बल्कि जरूरत भी नहीं, जरूरत मेरा थोड़ा होता है पहले उसमें से हो जाएगा, ये भी है, हमें नहीं है कुछ, अभी है कि जो करना है जो भी है, कि कोई काम इतना ऊंचा है, बल्कि इसे बताऊँ मैं कि मुझे ना खुद कई बार खुद को छोटा फील करता हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि नहीं मैं इतना भी क्यों रखे हूँ, कि ये जब काम इतना ऊंचा है, सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं आचार्य, आचार्य जी को तो देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने तो सब कुछ ही दे दिया, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, तो एक वो प्रेरणा की स्रोत बनते हैं। कई बार आता है हमारा मन जो अंदर होता है वो कहता है कि क्या कर रहे हो,